हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। ये पुरानी चुन्नियों साड़ियों से बनाया है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। आज सीखते हैं बहुत ही सुंदर सा डोरमेट। उसके लिए मैंने ये 16 फंदे डाले हुए हैं। ये देखें इस तरह से। ये हम पूरी सिलाई निकालेंगे। देखिएगा, हमने एक सिलाई को निकाल लिया और मेरे पास फिंदे डाले हुए थे, वैसे ही ये सच्चा सिलाई हम निकालेंगे। अब ब्लैक कलर लगा लेंगे, तो चार सिलाई हम इसी तरह से इसकी निकालेंगे। बिल्कुल सादा सादा है। जिनको नहीं बनाना आता है वो भी बड़ी आसानी से ये बना सकती हैं। ये देखें, इसी तरह से हमें इसकी पिंक की हमें चार लाइनें बनानी है और तीन हम ब्लैक की बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखो, हमने चार ये लाइनें बना ली हैं और तीन ब्लैक की बनाई हुई हैं। तो देखें किस तरह से हम आगे का बनाएंगे। ये हम पूरी सिलाई रेड से निकालेंगे, इधर से भी और उधर से भी, फिर मैं बताती हूँ। ये देखो, हमने सिलाई को पूरा निकाल लिया है। अब दो फिंदे हम यहाँ पे ब्लैक से बनाएंगे इस तरह से। और नीचे से हम दो फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। ये देखें, दो हमने छोड़ दिए, सिलाई को पलट लिया है। ये देखो, दो फिंदे और हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। दो दो करके हम नीचे की साइड पे बढ़ेंगे और दो दो करके हम नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। ये इसी तरह से हम पत्ती को कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। आठ फिंदे हमने नीचे की साइड पे छोड़ लिए हैं दो दो करके, और आठ फिंदे मेरे पास ऊपर की साइड पे हैं। अब देखें, ये ऊपर वाले फिंदे भी हम दो दो करके छोड़ेंगे। तो मैं छोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये दो छोड़ेंगे, फिर बुनेंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर बुनेंगे, फिर इसी तरह से ये ऊपर तक आ। ये देखो, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक ये आठों फिंदे को हमने छोड़ लिए हैं। अब देखें, दो सिलाई हम ब्लैक की पूरी पूरी निकालेंगे। तो 16 फिंदे डाले हैं, 16 फिंदों को हम बनेंगे इधर से भी और उधर से भी। अब देखें, सिलाई को हमने निकाल लिया है। अब हमें आठ फिंदे बिनने हैं ऊपर की साइड से। ये देखिएगा, हमने आठ फिंदे बिन लिए हैं ब्लैक से। अब हमें ये पीला कलर लगाना है। ये देखें, अब जो बचे हुए फिंदे हैं वो हम, आठ फिंदे जो बचे हुए हैं वो हम पीले से बनाएंगे। सारे फिंदे बिनेंगे, तो सिलाई को पलट लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें, अब हम दो दो करके ऊपर की साइड पे बढ़ेंगे। पहले हम इधर से नीचे की साइड पे आए थे, अब ये पीले वाले हम ऊपर की साइड पे ले जाएंगे। तो देखें, आठ बिने, अब छह बिनेंगे। ये देखिएगा, हमने छह बिन लिए हैं ब्लैक के, दो हम ये पीले कर लेंगे और दो बगैर बुने हुए हम नीचे से ये पीले वाले छोड़ने लगेंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई को पलटते जाएंगे। ये देखें, फिर से हम कर लेंगे, तो यहाँ चार हो गए। इसी तरह से ये पूरे फिंदे हमें बुनने हैं।
दो दो करके और दो हम नीचे की साइड पे छोड़ते आएंगे। तो ये भी कली कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको, ये देखो ऊपर तक हम आ गए हैं। यहाँ से हमने आठ फिंदे छोड़ लिए हैं, आठ ऐसे ही सादा। तो अब देखें, अब हम फिर से रेड कलर लगाएंगे। पूरी हम सिलाई इसी तरह से रेड की निकाल लेंगे, इधर से भी और उधर से भी। ये देखो हमने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई निकाल ली, एक उधर से तो एक इधर से। तो अब देखें, अब दो फिंदे फिर से ब्लैक हो जाएंगे ऊपर की साइड से, दो दो करके आठ फिंदे हम ब्लैक कर लेंगे, करेंगे दो ही दो करके, और दो फिंदे हम नीचे की साइड से बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। ये इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से हमने ये किया था शुरुआत में उसी तरह से अब इधर हम ब्लैक ले आएंगे। तो ये कली पूरी बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें तीन कली बनानी है, तो तीन कली मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखा। ये देखो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमें तीन पीस और बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ। ये देखा, चारों पीस बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सिलना बताऊँ। ये देखो हमने ये बीच में चारों लगा लिए हैं, और इस तरह ये आसपास की डिजाइन है वो आसपास रहेगी। अब ये सीधे रखे हैं, तो मैं इस तरह से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम सिल देंगे इस कोने से, ये देखें, और यहाँ पर इस तरह से मैं सिल दूंगी। ये देखो हमने यहाँ पे जोड़ लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल दिया। अब देखो, अब ये वाला इस तरह से लगाएंगे, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे, और फिर इसको हम इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक सिल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग है, तो हम इस तरह से इसको सिल देते हैं, इस तरह से इसको यहाँ सिल देंगे। ये देखो उल्टा करके हम उसको, तीन को हमने जोड़ लिया है, चौथा ये इस तरह से जुड़ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, और फिर हम इसमें सिल देंगे, फिर इसको हम इस तरह से सिल देंगे। तो ये सिल के हम कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। ये देखो हमने सिल लिया है, और ये काफी बड़ा बनाया है, और बड़ा बनाना चाहें तो और बड़ा बना सकती हैं इसी तरह से।